हेलो, आप सभी का स्वागत है रितेश हाइड्रोपोनिक क्लासेस में। आज के टॉपिक में हम हाइड्रोपोनिक मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में हाइड्रोपोनिक मीडिया के क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो हाइड्रोपोनिक मीडिया है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो टाइप के रहते हैं। इनऑर्गेनिक में आपके नेचुरल, जिसमें सैंड, ग्रेवल, रॉक वूल, ग्लास वूल, परलाइट, वर्मिकलाइट, प्यूमाइस, एक्सपेंडेड क्ले, जियोलाइट, वॉल्केनिक टफ आ जाता है। उसी के साथ में सिंथेटिक में फॉर्मेट्स, पॉलीयुरेथेन, पॉलिस्टर फॉर्म, ओएसिस, जो कि आपका ग्रो क्यूब रहता है, प्लास्टिक फॉर्म, हाइड्रोजेल, बायोस्टेट फेल्ट, बायो बेस्ड प्रोडक्ट। उसी के साथ में ऑर्गेनिक मीडिया की बात करते हैं तो सोडस्ट, बार्क, वुड चिप्स, पीट मॉस, कॉयर, कोकोनट फाइबर, राइस हक्स, ये आपके ऑर्गेनिक मीडिया आ जाते हैं। जो हाइड्रोपोनिक मीडिया का मेन काम होता है वो प्लांट को होल्ड करके रखना, ताकि वो टूटे और मुड़े नहीं, उसी के साथ में उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। अगर इन सभी मीडिया में से मैं सूटेबल मीडिया की बात करता हूँ तो वो आपका कोकोपीट आ जाता है, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसी के साथ में ये चिप भी होता है, या आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपने मार्केट में सर्च करके खरीद सकते हैं, या फिर जो गार्डनिंग करते हैं उनके पास ये मिल जाता है नर्सरी में। अगर मैं इनऑर्गेनिक मीडिया में सिंथेटिक में ओएसिस की बात करता हूँ तो ये ग्रो क्यूब के फॉर्म में आते हैं, जो कि प्लांट की नर्सरी तैयार करने के लिए काम में आते हैं। उसके बाद में हम परलाइट, वर्मिकुलाइट, एक्सपेंडेड क्ले की बात करते हैं तो ये लार्ज प्लांट को होल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या आप कोको पीट के साथ में मिला के भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी रहती है वो कोकोपीट से अच्छी रहती है। ये लार्ज प्लांट के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं जनरल प्रॉपर्टी हाइड्रोपोनिक मीडिया की बात करूं तो लाइट वेट होना चाहिए, केमिकली इनर्ट यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्बेंट जो कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखे, उसी के साथ में लो नो इसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होना चाहिए, उसी के साथ में न्यूट्रल पीएच जो कि 7 रहता है वो होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके हाइड्रोपोनिक मीडिया में मिल जाती है, इन सभी हाइड्रोपोनिक मीडिया में जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मीडिया होते हैं। इस तरीके से हमने इस वीडियो में ऑर्गेनिक मीडिया के बारे में डिस्कस किया, कौन सा अच्छा रहता है। जो बेस्ट है वो आपका कोकोपीट है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसी के साथ में जो जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है हाइड्रोपोनिक मीडिया की, वो भी हमने इस वीडियो में देख ली। धन्यवाद।